अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल ऑफ़ यू? होप यू ऑल आर फाइन। और SOPs को आप फॉलो कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल्सो कम्प्लीट योर विंटर वेकेशंस। नाउ वी आर डूइंग आवर साइंस लेक्चर। टुडे वी आर रीडिंग एंड अंडरस्टैंड अबाउट फोर्सेस। Before the lesson, we are recite the Taus, Tasmiya and Dua for increasing knowledge. Recite Taus and Tasmiya. Say Auz Billahi Minash Shaitan Rajeem and Tasmiya. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dua for increasing knowledge. Rabbi Zidni Ilma. Rabbi Zidni Ilma. Very good. So students, now we are start our lesson, science book, science unit number 6, forces क्या है? किसी भी काम को करने के लिए हम जो effort use करते हैं, किसी भी काम को करने के लिए जो हम अपनी effort को लगाते हैं, अपनी जो मेहनत लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? फोर्सेस। स्टूडेंट्स, लाइक आप अगर क्लास में होते हैं, अपने बैग से जो आप बुक निकालते हैं तो आप बैग अपने हाथ को बैग के अंदर डालते हैं, बुक निकालते हैं, तो आप क्या यूज़ कर रहे होते हैं? अपनी फोर्स यूज़ कर रहे होते हैं। वो आप अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं बैग से बुक को निकालने के लिए। सो फोर्सेस क्या है? अ फोर्सेस इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट किसको बोलते हैं? किसी हरकत को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? हरकत को बोलते हैं। हरकत क्या होती है? लाइक आप एक जगह से चल कर, वॉक करके किसी दूसरी जगह जा रहे हैं, तो वो क्या है? मूवमेंट। वो क्या है? मूवमेंट। इसी तरह से अ फोर्स इज़ अ मूवमेंट। मूवमेंट होती है क्या? एक फोर्स जो आप लगाकर मूव कर रहे होते हैं। फोर्स हम क्यों यूज़ करते हैं? मूवमेंट के लिए। सो नेक्स्ट है पुशेस, पुल्स एंड लिफ्ट। पुशेस, पुल्स एंड लिफ्ट, ये तीनों डिफरेंट चीज़ें हैं। इनको समझेंगे हम आज, और इनको आपने समझने की कोशिश करनी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस एंड ट्राई टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल इज पुशेस। व्हाट इज पुशेस? पुशेस क्या है? जब हम किसी भी चीज़ को अपने से दूर करते हैं, वी आर फार फ्रॉम, अवे फ्रॉम अस, हम किसी भी चीज़ को दूर करते हैं, किसी भी चीज़ को खुद से दूर करने के लिए जो एफर्ट लगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? पुशेस। वो क्या करते हैं? हम किसी चीज़ को पुश कर रहे होते हैं, किसी चीज़ को धक्का लगाना, धक्का लगाकर खुद से दूर करना, वो क्या है? पुश। हम किसी को पुश करते हैं। नेक्स्ट वन इज पुल्स। पुल्स, पुल्स में क्या है? जब हम किसी चीज़ को खींच कर अपने करीब करते हैं, अपने पास लेकर आते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? पुल्स। उसको क्या कहते हैं? पुल्स। एंड लिफ्ट, और लिफ्ट, लिफ्ट क्या होती है? जब आप किसी चीज़ को उठाते हैं, लाइक वो टेबल पे पड़ी हुई है, लाइक वो चेयर पे पड़ी हुई है, वो ज़मीन पर पड़ी हुई है, आप उस चीज़ को उठाते हैं, उठा कर अपने पास लेकर आते हैं, अपने हाथों में उठाते हैं, या फिर किसी भी तरह से किसी चीज़ को कैरी करते हैं आप, तो उसको क्या कहते हैं? लिफ्ट। क्या कहते हैं? लिफ्ट। नेक्स्ट, पुशिंग इज अ फोर्स। नाउ यू कैन से दिस, यू कैन लुक दिस दैट ये एक मैन है, बॉय है, वट एवर जो भी है, ये क्या कर रहा है? एक स्टोन को, पत्थर को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, खुद से दूर कर रहा है। वेरी गुड। एंड पुलिंग इज अ फोर्स। यू कैन लुक हेयर दैट पुलिंग इज आल्सो अ फोर्स। पुलिंग भी एक फोर्स है। इट्स हार्डर देन पुशिंग। अब आप देख सकते हैं कि जो पुशिंग है वो क्या है? पुशिंग, एफर्ट तो इसमें भी हम यूज़ करते हैं, बट पुशिंग इतना ज़्यादा टफ जो है टास्क नहीं है जितना ज़्यादा पुलिंग है। जब हम किसी
हैवी चीज़ को, किसी वेटेड चीज़ को खींच कर अपने पास लेकर आते हैं तो उस पर हमारी फोर्स ज़्यादा लगती है, उस पर हमारी फोर्स ज़्यादा लगती है। सो पुशिंग इज़ अ फोर्स एंड पुलिंग इज़ ऑल्सो अ फोर्स, बट इट्स हार्डर देन पुशिंग। पुलिंग इज़ हार्डर देन पुशिंग। पुलिंग जो है वो पुशिंग से ज़्यादा हार्डर है, ज़्यादा मेहनत देती है। लिफ्टिंग इज़ अ फोर्स, लिफ्टिंग इज़ अ फोर्स। आई गिव अप, वो कह रहा है कि मैं इसको उठा रहा हूँ। उसने कोई बॉक्स पकड़ा हुआ है या जो भी है, उसने क्या, वो क्या कर रहा है, उसको कैरी कर रहा है, वो लिफ्टिंग कर रहा है। और लिफ्टिंग करना भी क्या है, एक फोर्स है। नेक्स्ट आर नेम द काइंड्स ऑफ फोर्स बींग यूज्ड। आप यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंट पीपल्स हैं, डिफरेंट पीपल्स डिफरेंट टास्क कर रहे हैं। कोई, किसी के पास चेयर है, किसी के पास कबर्ड है, किसी के पास टेबल है, किसी के पास बैग है, कोई पुशिंग कर रहा है, कोई पुलिंग कर रहा है और कोई लिफ्टिंग कर रहा है। वेरी गुड। तो इधर वो कह रहे हैं नेम द काइंड्स ऑफ फोर्स बींग यूज्ड, नेम द काइंड ऑफ फोर्स बींग यूज्ड। तो वो क्या कर रहे हैं, पुशिंग पुलिंग और लिफ्टिंग। नाउ टेल मी दैट, ये टेबल को, एक बॉय है, ये इसको क्या कर रहा है, ये एक टेबल है और बॉय है, बॉय टेबल के साथ क्या कर रहा है, वेरी गुड, पुशिंग कर रहा है। बॉय क्या कर रहा है, पुशिंग कर रहा है। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, इस लड़के ने क्या पकड़ा है, स्टोन है, एक पत्थर है या फिर कोई ईंट है, तो इसने क्या किया है, लिफ्टिंग। वेरी गुड, इसने क्या किया है, लिफ्टिंग। ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है, ये पुलिंग कर रही है। वेरी गुड, ये अपनी तरफ कबर्ड का दरवाज़ा खोलकर अपनी तरफ कर रही है। वेरी गुड, ये पुलिंग कर रही है, एक्सेलेंट। और ये क्या कर रहा है, पुशिंग कर रहा है, दिस बॉय इज डूइंग पुशिंग। ये अलमारी को खुद से दूर कर रहा है, खुद से दूर धकेल रहा है। वेरी गुड, धकेल रहा है या फिर इजी वर्डिंग में फेंक रहा है, दूर कर रहा है इसको या फिर वट एवर। ओके नाउ स्टूडेंट्स, ये चीज़ें आपने खुद अंडरस्टैंड करनी है कि इसमें पुशिंग क्या है, पुलिंग क्या है और ये क्या कर रहे हैं। नाउ दिस वन, दिस इज़ योर एक्टिविटी, राइट पुल, पुश और लिफ्ट अंडर ईच पिक्चर। अब आपने ऊपर वाली पिक्चर्स के अकॉर्डिंग देखना है कि ये क्या कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस वन, इसमें वो क्या कर रहे हैं, लिफ्ट। वेरी गुड, ये क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग कर रहे हैं, ये इसको उठा रहे हैं, इस बॉक्स को उठा रहे हैं, ये टू बॉयज मिलकर इस बॉक्स को उठा रहे हैं। वेरी गुड। नाउ स्टूडेंट्स, होप दैट यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट पुश, पुल और लिफ्टिंग। नाउ नेक्स्ट वन, योर साइंस वर्क बुक, ओपन योर वर्क बुक दिस वन, दिस इज योर होमवर्क, यू हैव टू डू इट। दीज पीपल पुशिंग और पुलिंग, वो कह रहे हैं कि क्या ये लोग पुशिंग और पुलिंग कर रहे हैं। द पुश और पुल अंडर ईच पिक्चर, आपने क्या करना है यहाँ पर, राइट लिखना है इन 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 जगहों पर कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। ओके वेरी गुड, आपने क्या करना है, इनके इन बॉक्सेस के अंदर इसको फिल करना है। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, आई एम टेलिंग यू अबाउट दिस, आप देखें ये टू बॉयज़ हैं, टू मैन हैं, ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं। वेरी गुड, क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं, पुशिंग कर रहे हैं इसकी। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, पी यू एस
एच क्या कर रहे हैं? पुश. वेरी गुड. ओके स्टूडेंट्स, ये सारा आपने खुद से करना है, इसको समझना है, इसको करना है. आई होप कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए हैं. ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. फॉलो द SOPs ऑफ कोविड 19. अल्लाह हाफिज़.